उधर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक की ओर से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 4 मई से आयोजित की जाएंगी। परीक्षाएं 21 मई तक जारी रहेंगी। प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा होगी। इससे पहले 6 अप्रैल से प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू होंगी। गौरतलब है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि शुरुआत में 9 मार्च रखी गई थी, लेकिन बाद में जैक ने दूसरे राज्यों में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं का अध्ययन किया और इसी के मद्देनजर घोषित परीक्षाओं की तिथि को सस्पेंड करते हुए उस पर रोक लगा दी। और इसके अलावा एक वजह ये भी थी कि CBSE मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अप्रैल में ले रहा था, जिस वजह से अभिभावक भी इस मामले पर आपत्ति जता रहे हैं। और चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी देखिए, पहले की तारीखें जो थी उसे सस्पेंड किया गया और अब नई तारीख इसलिए भी जारी की गई है क्योंकि अभिभावकों को आपत्ति थी कि अगर CBSE ने तारीखें आगे बढ़ाई हैं, दिन आगे बढ़ाया है, कोरोना महामारी का दौर है, ऐसे में संक्रमण को देखते हुए सतर्कता बरतते हुए अगर तारीख आगे बढ़ाई गई है तो जैक को भी ये स्टेप लेना चाहिए और इसी कड़ी में यह कदम। देखिए आरती, इस तरह से पहले परीक्षा की जो तिथि घोषित की गई थी वो मार्च में थी, लेकिन कई अभिभावकों ने आपत्ति जताई थी और सरकार ने भी इसे गंभीरता पूर्वक सोचते हुए ये जरूर विचार किया कि परीक्षा की जो तिथि है वो आगे बढ़ाई जाए। और ऐसे देखेंगे तो बच्चे जो हैं, जो 10 या 12 के जो बच्चे हैं, बहुत स्कूल भले अभी 1 महीना पहले खुला है, क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन थोड़ी और तैयारी करने के लिए इन्हें मतलब बच्चों को समय मिलेगा। और यही वजह है कि दूसरे राज्यों की भी जो एग्जाम की जो तिथि थी उसका आकलन करते हुए आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक बड़ा फैसला कल देर रात लिया कि अब जो परीक्षा है वो मई के महीने में होगी। जाहिर सी बात है, जब परीक्षा की तिथि बढ़ी है तो बच्चों को पढ़ने का समय मिलेगा, तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि कई राज्यों में भी जो है जो मैट्रिक इंटर की जो परीक्षाएं हैं कई राज्यों में मई और जून का महीना रखा गया है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि जो परीक्षा की जो तिथि रखी गई है उनसे बच्चों को पढ़ने का समय मिल जाएगा। और अभी भी कोरोना का संक्रमण जो है झारखंड में है, और रांची की बात करेंगे तो रांची में अभी भी जो केसेस हैं, संक्रमण का जो मरीज हैं, पॉजिटिव मरीज हैं, वो लगातार मिल रहे हैं। तो ऐसे में तिथि बढ़ी है और अप्रैल के का जो महीना होगा वहाँ इस समय प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी, तो ऐसे में देखा जाए तो परीक्षा की तैयारी करने के लिए बेहतर समय मिल जाएगा। लेकिन कई लोगों को जो है इनको लेकर के, तिथि को लेकर कई वैसे बच्चे परेशान हैं जिनका कहना है कि नहीं, परीक्षा की तिथि जो है पहले जो रखी गई थी वो बेहतर थी। लेकिन किसी एक के सोचने से नहीं होता है, क्योंकि इसमें लगभग 7 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में अपीयर होंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा में देखें परीक्षार्थियों की संख्या तो 7 लाख है, तो एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने पहले परीक्षा की तिथि घोषित जरूर की थी लेकिन प्रोग्राम का क्या शेड्यूल था वो घोषित नहीं हो पाया था। और बाद में सरकार की तरफ से आपदा प्रबंधन की बात करें या शिक्षा विभाग की तरफ से जिस तरह की चिट्ठी आई है उसके बाद जो है आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है एक ठोस निर्णय लिया है और अब जो है मतलब परीक्षा की तिथि जो घोषित की गई है उसी तिथि में परीक्षा ली जाएगी। तो अब बच्चों को पढ़ने का बेहतर समय मिलेगा और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि बीच में कई पर्व त्योहार भी जरूर होंगे जी, जी, जी। लेकिन पढ़ाई करने का वक्त काफी मिलेगा। आरती बिल्कुल, और इन सब में सबसे बेहतर चीज ये है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए और वक्त मिल गया अंजनी, और इस वक्त का सदुपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि पिछले साल देखिए कोरोना की वजह से पूरा 1 साल लगभग बर्बाद हो चुका है बच्चों का। ये सबसे बुरा प्रभाव अगर पड़ा है तो शिक्षा पर ही पड़ा है। ऐसे में अब ये जो वक्त मिला है इसमें बच्चों को अपनी मेहनत करनी चाहिए, और क्योंकि सर पर एग्जाम्स है तो अब ये तैयारियों का वक्त होगा उनके लिए। हाँ देखिए, जब एक लंबा समय मिल गया है तो वैसे में हम कह सकते हैं तैयारी करने का एक अच्छा समय मिल जाता है। देखिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है अभी साइंस विषय का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो जारी किया है,
बाकी और कॉमर्स और आर्ट्स के जो पेपर है उनके मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी नहीं किया है, तो और पहले भी इसमें जो सिलेबस है सिलेबस में भी कटौती की गई है, तो बच्चों के लिए जिस तरह का एक साल का जो समय रहा था बड़ा संक्रमण के समय सभी की जो मानसिक स्थिति थी वो पढ़ाई पर कम थी, और ऑनलाइन जो पढ़ाई की जो बात जरूर की जा रही है उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि कई लोग रिमोट इलाका में रहते हैं, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम था। तो अब जो है एक हम कह सकते हैं कि बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया है, और इसके आने वाले समय में बेहतर परिणाम होंगे, मॉडल टेस्ट पेपर भी आ जाएंगे, तो बच्चे उनका उसी अनुरूप तैयारी करेंगे तो अच्छा नंबर भी ला सकते हैं, और प्रैक्टिकल के लिए भी अब बच्चों को एक अच्छा समय मिल गया है, तो हम ये जरूर कहा जा सकता है कि बच्चों के बेहतर भविष्य को देखते हुए एक बड़ा फैसला जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने लिया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो 4 मई से मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षाएं, प्रथम पाली में मैट्रिक की परीक्षा और द्वितीय पाली में इंटर की परीक्षा, बच्चों को ज्यादा वक्त मिला, अब पहले के जो एग्जाम्स डेट्स थे उन्हें कैंसिल किया गया और अब ये नई डेट्स, और अब बच्चों के पास तैयारियों के लिए, छात्रों के पास एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए काफी वक्त है, और इस वक्त का सदुपयोग करें बच्चे, और एग्जाम्स जो पिछले एक साल कोरोना की वजह से जिस तरह से पढ़ाई बाधित हुई, अब ये वक्त है कि इस वक्त का सदुपयोग कर अच्छे नंबर लाए जाएं परीक्षा में।